की सरकार तेरी की पारदर्शिता के नाम पर अब जो परीक्षा राज्य की नौकरियों के लिए कॉम्पिटिटिव देती है वो राज्य से बाहर यूपी में, दिल्ली में, मुंबई में हो रही है। पारदर्शिता के नाम पर परीक्षा बाहर करेंगे। प्रथम चरण में तो खुद राज्य की संस्था को परीक्षा देनी चाहिए और दूसरे चरण में अगर आप तो निश्चित रूप से राज्य के नौजवान ही उसमें भाग लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ग्रुप सी डी की नौकरियों में वैसे भी सरकारी नियंत्रण है, तो उनको राज्य से बाहर भी परीक्षा केंद्र कोई उसका कोई औचित्य तो लोग भी भाग ले सकते। लेकिन जो हमारा सबॉर्डिनेट कमीशन है वो ग्रुप सी और डी के लिए रखा गया है, उसमें सिर्फ ये है कि राज्य के नौजवान ही उसमें भाग लेते। जी सर, राज्य की न्यू ही इस बात पर हुई हो कि राज्य के नौजवानों को को रोज़गार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में हमको परीक्षाओं के लिए लखनऊ इलाहाबाद के चक्कर बनाने पड़ते, वहीं से युवती के अपने राज्य के अंदर पर एक नौकरी केंद्र खेलो। आज तृतीय श्रेणी जैसे लो पेड ग्रुप में सरकारी कोऑपरेटिव बैंक की नियुक्तियाँ हो रही हैं और उसकी एग्जाम की परीक्षा आप लखनऊ में, इलाहाबाद में, दिल्ली में या राज्य से बाहर कराएंगे, तो ये बेरोजगार नौजवान के साथ सबसे बड़ा धोखा छल है और गरीब गार्जियनों के ऊपर एक अनावश्यक आर्थिक बोझ है। ये बहुत ही गंभीर घटना है, राज्य के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। तो हमने मांग की कि तुरंत ये कोऑपरेटिव बैंक की जो बाहर परीक्षा आयोजित गए वो रद्द की जाएँ।